हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए अपने प्यारे से बच्चे, हमारा जो एक पेशेंट है, प्यारा सा छोटा सा, जिसको अभी हम पेशेंट भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, एकदम हेल्दी है, आज हम उनका एक फीडबैक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जिसकी कल सर्जरी हुई है हमारे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में, और आज वो बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, बच्चा आराम से अपना गेम खेल रहा है फ़ोन में और बिल्कुल ठीक है। कल ही इनकी सर्जरी हुई है, आज ये आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं, सब कुछ खा पा रहे हैं। बहुत सालों से ये कुछ भी ठंडी चीज़ या आइसक्रीम वगैरह नहीं खा पा रहे थे। तो बच्चों के मन में बहुत ये बात आती है जब वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं कि वो सब कुछ खा पा रहे हैं और मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तब फाइनली इनकी जो प्रॉब्लम है वो सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी है और सुबह से खूब सारी आइसक्रीम भी खा चुके हैं। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो रुद्रवीर, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या खाया आपने सुबह से? ये आइसक्रीम वगैरह ये सब फूड खाया है। आइसक्रीम खाई और रोटी भी? रोटी ये सब। और ये सब चीज़ें हम बहुत सालों से नहीं खा पा रहे थे, है ना? हाँ। लेकिन अभी कल ही सर्जरी हुई और आज आप सब कुछ आराम से खा पा रहे हो? यस। अच्छा फील कर रहे हो? यस। अब हम आपको इस बच्चे की मदर से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। बहुत सालों से, जैसा कि आपने बताया कि प्रॉब्लम थी, हाँ, और आप जैसा कि कह रहे थे कि कुछ भी नहीं खा, नहीं ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं खा पा रहा था, ना तो कोल्ड ड्रिंक पी पा रहा था, ना आइसक्रीम पी खा पा रहा था, ये खाते ही बुखार जुखाम ये हो जाता था। लेकिन कल इसकी सर्जरी होने के बाद ये आइसक्रीम भी खा रहा है और स्लाइस ये फ्रूटी भी पी पा रहा है ढंग से। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों की सर्जरी करवाने से, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? अब आपके बच्चे की कल सर्जरी हुई है, तो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो डरे ना और अपने बच्चे का इलाज करवाए, और डरने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें।